के मुझे मतलब एक बात बताए उस वक्त तो ना गूगल होता था ना लिंक होता था ना लोगों के प्रोफाइल्स होते थे तो आप अज्यूम किया करते होंगे कि फिरदौस जमाल एक ऐसा इंसान है या जो पिशावर के जो आर्टिस्ट हैं वो ऐसे होंगे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है यार सोर्स ऑफ इंफॉमेसन जो था अली भाई वो उस वक्त उनके अपने इंटरव्यूज थे जो हाँ और वो क्योंकि एक ही टीवी था तो उसको सब पता लोग चल था। जाता था फिर ये कि जो उस ज़माने में ड्रामे चंद ड्रामे होते थे उसके ऊपर तबसरा करने वाला जो था ना वो बड़ा हीरो हीरोइन बन जाता था मिसाल के तौर पर मैं जब इस फील्ड में नहीं आया था तो मैंने एक किसी का तबसरा पढ़ा उसमें लिखा था कि टीवी के फ़ला ड्रामे में एक खाली चाय की प्याली थी जो जिसमें से टन 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 की आवाजें आ रही थी तो मैंने देखा कि वो लोग इतनी माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं और उसको पसंद किया जाता है मेरा जैसा स्टूडेंट जो है उसने वो देखा और फिर मैंने ड्रामे देखने का मुझे रुझान हुआ फिर मुझे ड्रामों पर तनकीद करने का और ड्रामों के ऊपर जो है वो तारीफ करने का मुझे शऊर आया थोड़ा बहुत लेकिन अब मुसीबत यह है कि इतने सारे ड्रामे हो गए कि अब उन पर ना कोई तनकीद करने वाला है ना उनको कोई देखने वाला ऐसा क्रिटिक है कि जो सिर्फ यही काम करता हो कि वो ड्रामे देखे और उन पर तनकीद मैंने एक दफ़ा लिख दिया ना मैंने कहा एक प्राइम टाइम पे टन 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 की आवाज़ आ रही थी बीच में एकदम नुमाने जा नजर आए

मैं उन चंद लोगों में से हूँ कि लोग मुझे मेरी लिखी हुई चीज़ों के नाम से भी कुछ पहचान जाते हैं बाखुदा ऐसे ही है और मैं जो मैं आपसे बाद में लेटर ऑन बात करूँगा मैंने जिस तरह कहा कि अच्छा ये बताएं कि फिर आपको एक बड़ा ये जो ये स्क्रीन पे आने वाला शौक था ये बहुत बड़ा टैलेंट है जो अल्लाह सुबहान तला ने आपको ब्लेस किया हुआ है ये पहली दफ़ा कब आइडेंटिफाई हुआ था बचपन से ही हो गया था ये लेटर डिस्कवरी है नहीं ये मैं अपने दोस्तों में करता था ये सारी चीज़ें